नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरें। ग्लासगो विच पौण पानी च तब्दीली बारे चल रहे कोप 26 सम्मेलन च अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। पैरिस समझौते लागू करने बारे इस सम्मेलन दौरान सहमति बनने की संभावना। उचेरी सिक्ख्या ते भाषा मंत्री प्रगट सिंह ने पटियाला च पंजाबी माह का किया उद्घाटन। भारत में बीते दिन कोविड 19 के 12,514 नवे मामले सामने आए। इस अरसे दौरान 12,718 व्यक्तियों ने कोरोना लाभ तो मुक्ति हासिल की। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने स्वदेशी हवाई जहाज कैरियर विक्रांत के समुद्री तजर्बों की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय युवा मामलों और खेडों बारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वालों आज साल 2020 के कौमी खेड पुरस्कार दिए जाएंगे। तो हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पौण पानी च तब्दीली बारे संयुक्त राष्ट्र वालों करवाई जा रही 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ आल पार्टी स्कोप 26 विच हिस्सा लैण लई बरतानिया के शहर ग्लासगो पुज गए ने। इत्थे पुजन ते भारतीय भाईचारे वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी नाल स्वागत किया गया। कोप 26 के उच्च पदरी हिस्से जिसका सिरलेख विश्व आगुआ का सम्मेलन है अज अते कल इटली की साझेदारी बरतानिया की प्रधानगी हेठ करवाया जा रहा है। इस सम्मेलन में 120 तो वध देशों के मुखी हिस्सा लै रहे हैं। ग्लासगो में एक होर अहम प्रोग्राम तहत वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के विजन तहत ग्लोबल ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव की शुरुआत होगी। इस सम्मेलन दौरान पौण पानी की तब्दीली कार्बन की वरतों घटाने स्वच्छ तकनोलॉजी लई नवाचार वल ध्यान केंद्रित होगा। कोप 26 विच पैरिस समझौते लागू करने लई लए गए अहद नूं अमली जामा पहनाउण लई उपराले कीते जाणगे। पंजाब समेत 7 भारतीय सूबे अज अपना स्थापना दिवस मना रहे ने। इन्हां विच हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, करनाटक, केरल और आंध्रा प्रदेश शामिल ने। इस तों इलावा केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडेमान निकोबार नूं भी अज दे ही दिन केंद्र शासित प्रदेश वजों मानता मिली सी। पंजाब की भाषा के आधार पर 1966 विच होई वंड तो बाद पंजाबी सूबा होंद विच आया सी। आज तो सूबे भर के पंजाबी भाषा ते सभ्याचार दे विकास लई कीते जा रहे उपरालियां तहत कई समागम करवाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अते उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, करनाटक, केरल, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के लोगों को स्थापना दिवस दी शुभकामनावां दित्तियां ने। वक्खो वक्खरे ट्वीट संदेशां च इन आगुआं ने स्थापना दिवस मना रहे राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशों के वासियों के सुनहरी भविख अते चंगी सेहत की कामना की है। पंजाब दे उचेरी सिक्ख्या ते भाषा मंत्री प्रगट सिंह ने भाषा भवन पटियाला विखे पंजाबी माह 2021 का उद्घाटन किया। इस मौके उन्हां भाषा विभाग का लोगो भी जारी किया। समागम में सकत्र कृष्ण कुमार अते होर उगियां शख्सियतां ने हिस्सा लिया। पंजाबी माह दौरान सूबे च पंजाबी भाषा के विकास लई कई उपराले किए जाणगे। समागम दौरान उन्हां विभाग वल्लों प्रकाशित किताबां भी जारी कीतियां। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सूबे च मिशन क्लीन नूं शुरू करन दा ऐलान कीता है। इस तहत नजायज़ माइनिंग, शराब अते नशियां दे कारोबार ते सख्ती करन दा ऐलान कीता गया है। सूबे दे डिप्टी कमिश्नर अते ज़िला पुलिस मुखियां दी मीटिंग दी प्रधानगी करदिआं मुख्यमंत्री ने रेत दी खुदाई अते शराब नाल संबंधित नजायज़ धंधिआं विच शामिल अंसरां खिलाफ़ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाउण लई ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाउण दी हिदायत दित्ती है। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। इस मौके मुख सकत्र अनिरुद्ध तिवाड़ी, सूबा पुलिस मुखी इकबालप्रीत सिंह सहोता और होरना सीनियर अधिकारियों ने सूबे च अमन कानून की बहाली लई कीते जा रहे उपरालों बारे जानकारी दित्ती। भारत में बीते 24 घंटे दौरान कोरोना रोकू टीके दियां 12,70,000 तो वध खुराकां दित्तियां गईयां ने, जिस मगरों भारत ने 106 करोड़ 31 लख तो वध टीके लगाउण दा मील पत्थर पार कर लिया है।
देश विच करोना दे ताज़ा मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार बीते दिन देश विच 12,514 नवे करोना मामले दर्ज हुए। इस वेले सेहतयाबी की दर 98.20% हो गई है। बीते 24 घंटों दौरान 12,718 मरीजों ने करोना लाग तो मुक्ति हासिल की है। दिल्ली हवाई अड्डे दे T1 टर्मीनल तो 18 महीने बाद हवाई सेवावां अज तो मुड़ शुरू हो गई ने। T2 अते T3 तो पहला ही हवाई सेवावां चालू हो चुकिया ने। तीजे टर्मीनल तो संचालन मुड़ शुरू होने दे नाल ही दिल्ली हवाई अड्डा पूरी तरह नाल कारशील हो गया है। T1 टर्मीनल तो आखिरी उड़ान 25 मार्च 2020 नूं भरी गई सी। बंदरगाह जहाजरानी अते जलमार्गों बारे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपने समुद्री दौरे दौरान स्वदेशी हवाई जहाज़ कैरियर विक्रांत के समुद्री तजर्बों की प्रगति का जायजा लिया। यह जहाज़ कोची शिपयार्ड से बनाया जा रहा है। इस जहाज़ का दूजा समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक मुकम्मल हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को अगले साल अप्रैल तक इस जहाज़ की समय सिर सपुरदगी यकीनी बनाने लिए कहा है, ता जो अगस्त महीने तक इसका काम शुरू हो सके। अगले साल का अगस्त महीना आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने का महीना भी है। केंद्रीय युवा मामलों ते खेडों बारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वल्लों अज साल 2020 दे कौमी खेड पुरस्कार दिते जाणगे। नवी दिल्ली च अज बाद दोपहर 2:30 बजे होने वाले इस समागम बारे जानकारी दिंदिया खेड मंत्रालय दे एक बुलारे ने दस्या कि इस दौरान उन्हां सारे खिडारियों नूं ट्राफियां प्रदान कीतियां जाणगियां जिन्हां नूं कोविड की पाबंदी के चलदिया 29 अगस्त नूं करवाए गए वर्चुअल समागम दौरान ट्राफियां नहीं दित्तियां जा सकियां सन। उन्हां दस्या कि मंत्रालय नूं सन्मान हासिल करन वाले खिडारियों नूं सिर्फ चैक मिलण अते ट्राफियां ना मिलण की शिकायत मिली सी, जिसनों ध्यान च रखद्या देश के खेडां दे खेतर च शलाघा योग प्रदर्शन करने वाले खिडारियों सन्मानित करने लई इह समागम करवाया जा रहा है। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेडे गए ICC T20 विश्व कप के एक मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकटों के फर्क नाल हरा दिता है। जित ले मिले 111 दौड़ों के टीचे नूं न्यूजीलैंड ने 14 ओवर से 3 गेंदों में 2 विकटों के नुकसान से हासिल कर लिया। भारत की मौजूदा विश्व कप मुकाबले च लगातार दूजी हारे। हुण तक इंग्लैंड 6 अंक जोड़ के ग्रुप 1 विच अते पाकिस्तान इन्ने ही अंक जोड़ के ग्रुप 2 विच पहले स्थान पर चल रहा है। बुलेटिन के अखीर में चोणवीं खबरें एक बार फिर तो ग्लासगो में पौन पानी च तब्दीली बारे चल रहे COP26 सम्मेलन से अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। पैरिस समझौते को लागू करने बारे इस सम्मेलन दौरान सहमति बनने की संभावना। उचेरी सिक्ख्या ते भाषा मंत्री प्रगट सिंह ने पटियाला च पंजाबी मां दा कीता उद्घाटन। भारत में बीते दिन COVID-19 के 12,514 नवे मामले सामने आए। इस अरसे दौरान 12,718 व्यक्तियों ने करोना लाग तो मुक्ति हासिल की। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्वदेशी हवाई जहाज़ कैरियर विक्रांत के समुद्री तजर्बों की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय युवा मामलों ते खेडों बारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वल्लों अज साल 2020 दे कौमी खेड पुरस्कार दिते जाणगे। ते इस दे नाल ही खबरां दा इह बुलेटिन खत्म होया। नमस्कार।